देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भाइयों ने आपसी विवाद के चलते अपने परिवार के साथ मिलकर अपने ही सगे बड़े भाई की लाठी डंडों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इधर हत्या की खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और उधर मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल ये मामला लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली पलिया कला का है, जहां के ग्राम बड़े पतवारे में ग्रीन कार्ड द्वारा लिए गए रुपयों के बंटवारे को लेकर जमीनी विवाद के चलते गांव के महावीर के पुत्र मिहीलाल सेवक राम तिलक राम में विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि महावीर के पुत्र सेवक राम और तिलक राम ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर मिहीलाल के घर में घुस गए और उसे खींचकर बाहर सड़क पर ले आए और लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रीन कार्ड बनवाया था, उसमें पैसा भी नहीं निकला था, वो लोग खड़े मार डालेंगे और हमें भी मारा है और आज पापा को हदऊ के मार डाला। अच्छा, किन्होंने मारा है? सेवक राम, तिलक राम और मीरा देवी और पुष्पा। कौन है आप? ये कौन है आपके चाचा? अच्छा, रहते कहाँ हैं आप? पुलिस को खबर की थी इसकी? हाँ, परसों सौ नंबर लगाई थी जी, तो बहुत हाई ईटा चलाई थी घर में, बाबा को एक ईटा सीने पे लग गई थी जी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? वो लोग भाग गए थे, सौ नंबर आई तो मिले नहीं वो लोग। अच्छा, फिर रात को ईटा चलाने लगे। फिर क्या हुआ? फिर रात में सोए नहीं थे। अच्छा, जब आपके पापा को मारा, कौन थे वो आपके जो खत्म हुए? बहुत लोग थे। आप इनके पिता? पापा। अच्छा, तो आपके उन्होंने पुलिस को कोई सूचना दी थी उसके बाद? अभी तो वहाँ दाऊ के वहाँ प्रेम सागर दाऊ के वहाँ गए थे तो उन्होंने मिलाया पुलिस को। अच्छा, तो जो आरोपी पकड़े गए हैं? अभी कहाँ पकड़े गए? भाग कहाँ गए वो? भाग गए हैं। जो हुआ है घर से यहीं चले गए, मतलब घर रान घर से चले गए, एकदम लाठी डंडा चलावा ही लगे, बगौड़ी चलावा ही लगे। हमारे एकदम गाँव मारे तो हम पंडित जी लोग कह रहे हैं कबाड़ा बंद कर ली भाई। अरे इनका कहीं चले गए माँ डाल खाए तामिन मेरुआ मेरुआ लाठी ने मारे। अरे तिलक राम पुष्पिया सेवक राम मीरा देवी। अरे हलवा आपका लमटा कर भाई हलवा। वो आपके कौन है? तिलक राम सेवक राम। आपके कौन है? जेवर है, जेवर है। अच्छा, बात पूरी बात कुछ नहीं रहा है, गंदक पैसा निकाल लाए रहे तब कहे लगे हमारे पैसा कहे निकालो तो काम पर गया रहा है तो पैसा निकाल लाए तो कहे पैसा भेज दे तो पैसा कल हम अपने भाई से नहीं लिए उधार, भाई हमारे पैसा दे गई 15,000 रुपया तो फैसला इनका कर दिया। अब कहा मरी हूँ तो इका मार डरी हूँ, अब कहाँ इका नहीं रखी हूँ मार डरी हूँ जिंदा है। अब आज कुछ नहीं हुआ खटिया पर गरिया लगे चाय लगना ही पिए दी सब अब बनाई रखी। अच्छा, जो आपके हमारे पति क्या नाम है? मिहीलाल। अच्छा, उनके पाप का नाम? पाप का नाम उनके महावीर। जिससे उसके परिजनों में कोहराम मच गया और यही नहीं, उन्होंने मिहीलाल की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों की भी जमकर पिटाई की और मौके से फरार हो गए। हत्या की खबर मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और इधर ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।